Hare Krishna. तो यहाँ पे सत्यवत मुनि जो है भगवान के सौंदर्य का श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, कितनी खूबसूरत है, और ये प्रार्थना भी कर रहे कि आपका ये जो सुंदर रूप हमेशा मेरे आंखों के सामने इदं ते मुखं भोजं अत्यंत मुखं भोजं मतलब कमल रूपी मुख, आपका कमल जैसा मुख जो है वो कैसा है, मुख सुंदर है और उस मुख जो है एक घुंघराले बालों से वो जो है सुशोभित है, या सब सब जगह से वे जो है सराउंडेड है किससे, घुंघराले बालों से, और वृत्तम कुंतले, ये वृत्तम मतलब सराउंडेड बाय लॉक्स ऑफ कर्ली है, वृत्तम कुंतले, और ये आपके जिस सुंदर घुंघराले बाल जो है वो कैसे हैं, स्निग्धा मतलब शाइनी, शाइन सॉफ्ट स्प्रिंगी, और जब भगवान ऐसे ऐसे चलते थे बीच में बाउंस होते बाउंस, बहुत ही सुंदर जो है उनका ये मुखारविंद जो है बहुत ही सुंदर है, और उनके घुंघराले बाल जो है स्निग्ध एकदम शाइनी सॉफ्ट, और रंग कैसा है, रक्त, रक्त मतलब रेडिश लाल, लाल जैसा, तो इदं ते मुखां भोजं अत्यंत नीलं वृत्तं कुंतलैः स्निग्धं रक्तैश्च गोप्यः, तो ये जो है ऐसे मुखारविंद को जो इतना सुंदर कमल जैसा सुंदर, जो घुंघराले बालों से सुशोभित है, जो बहुत ही सुंदर शाइनी सॉफ्ट और लाल रंग की, मतलब लाल जैसा टिंज है, ऐसे नहीं कि एकदम लाल, टिंज ऑफ रेड, और ऐसे सुंदर मुखारविंद का माता यशोदा जो है उनको चूमती रहती, चूमती मुहुस चुंबिताम बिंबा, और कैसे चूमती है माता यशोदा, यहाँ पे बताया गया है कि मुहुस चुंबिताम बिंबा रक्ता धरम, बहुत सुंदर वर्णन है कि माता यशोदा इतना ये सुंदर ये सुंदर मुख को चूमती है, और आपके जो होंठ है भगवान के होंठ एक बिंबा, बिंबा फल, बिंबा फ्रूट के जैसे है सुंदर, और माता यशोदा आपके मुख को आपके होंठों को चूमती रहती है, चूमती रहती है, और भी जो है वो रक्तश्च गोप्या, ये जो है ना इतना और भी लाल लाल हो जाता है, तो इतना सुंदर ये दृश्य यहाँ पे भगवान की सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है,
Idam te mukham boja atyanta nile vittam kuntalai snigda raktaischa gopya muhuschumbitam bimbaraktadaram ne manasavirastam alam lakshalab. यहाँ पे फिर से सत्यव्रत मुनि बता रहे कि किस प्रकार से ये सुंदर दृश्य मेरे नजरों के सामने और मेरे मन में ये आपका सुंदर मुखारविंद आपका सुंदर मुख हमेशा रहे और अविरस्त अलम लक्ष्य यहाँ पे बताया गया अहे अहम लक्ष्य मुझे लक्ष्य मतलब लाखों लाखों वरदान जो है वो कोई काम के नहीं है बस यही मैं चाहता हूँ कि आपका ये सुंदर रूप आपका ये सुंदर मुखारविंद का दर्शन मेरे मन में हमेशा रहे मना जाविरस्तम अलम लक्ष्य लाभ है क्या लाभ अलम लक्ष्य लाभ है क्या लाभ कोई लाभ नहीं तो इस प्रकार से फिर से यहाँ पे ये वर्णन किया जा रहा है क्योंकि ये भौतिक जगत में जितने भी आनंद है वो हमेशा के लिए नहीं है वे क्षणिक है कुछ देर के लिए रहते हैं और फिर चले जाता है पर ये आध्यात्मिक आनंद जो है वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और मीठा मीठा और भी मीठा होता जाता है तो यहाँ पे ये वर्णन किया जा रहा है तो ये जो आध्यात्मिक सुख आध्यात्मिक आनंद जो है वो बढ़ता ही जाता है और उनकी कोई सीमा नहीं जैसे भगवान अनंत है भगवान की कथा अनंत है भगवान के साथ आनंद जो है का आदान प्रदान भी अनंत है हर दिन हर रोज खास करके हम अनुभव करते हैं कि कार्तिक के महीने में यही एक लीला को दोहराया जा रहा है लेकिन फिर भी उसका वो फीका नहीं पड़ता वो आनंद जो है और भी बढ़ता जा रहा है यहाँ पे भी हम देख रहे हैं वृंदावन में इतने सारे लोग हैं इतने सारे भक्त हैं और इतनी भीड़ है इस दामोदर अष्टकम के समय वे सब जो है भगवान को अपना दीप दान करना चाहते हैं भगवान के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करते हैं ये सुंदर जो अष्टकम का स्मरण करते हैं गाते हैं नाचते हैं और ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन महीने भर रोज लगातार सुबह शाम जो है ये जो आनंद जो है भक्त लूट रहे हैं आनंद चिन्मय उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमाम बजामि तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि
ये आनंद जो है किसी भी आनंद से बढ़कर सभी आनंदों से, आनंद के सभी आनंदों के आनंद के स्रोत है। तो ये इस सुंदर अष्टकम में यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया जा रहा है, और जब भगवान के सुंदर रूप का दर्शन हम पाते हैं, क्योंकि हम अनुभव या भगवान के साथ डायरेक्ट जो है हमारी हमारी दृष्टि या हमारी पहुंच वहां तक नहीं, तो इसीलिए भगवान जो है अपनी असीम कृपा से अर्च विग्रह के रूप में उपस्थित हो जाते हैं ताकि हम उनको देख सकें। और सुंदर रूप से अर्च विग्रह की सेवा, अर्च विग्रह का श्रृंगार, भगवान को सुंदर आभूषणों से अलंकृत किया जाता है, और हर दिन जो है भगवान नए नए सुंदर अलंकार में जो है हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने जो है उपस्थित हो जाते हैं, और उनको देखकर जो है हमारा जो आकर्षण जो है भगवान के प्रति और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है जाता है। इसीलिए भक्त मंदिर में आते हैं और भगवान के इसका ये आनंद की खोज में, और उस आनंद को अनुभव करते हैं, और उस आनंद को लेकर वे अपने घर चले जाते हैं। तो ये सुंदर यहाँ पे वृंदावन में भी अनुभव किया जाता है, या जहाँ पे भी भगवान का सुंदर रूप से इस प्रकार से पूजा किया जा रहा है वहां पे ये हम जो है प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो आज हमारा परिक्रमा जो है मधुबन कहाँ से कहाँ आए हैं हम, सबको याद है? वृंदावन माते हैं। हाँ, ओके विनी। माताजी, जस्ट वांट टू आस्क यू कि व्हाट इज अर्च विग्रह, द मीनिंग ऑफ अर्च विग्रह? अर्च विग्रह इज द डेटी मूर्ति, लाइक यू से अर्च विग्रह, जिसकी हम सेवा करते हैं, दैट इज सेड टू बी अर्च विग्रह। Yes. Thank you, Mataji. Right. We don't say like that, Murti, or like that. But we say Archana, because it's worship. Puja Archana ki jati hai, Bhagwan ki. Yes, Lalita. We started with Vrindavan, Mataji. Okay. Vrindavan se hum kaha gaye? I'm 1 minute. I just think. Okay, somebody else from memory. Vrindavan to Mathura. Mathura, yes. To Madhuban. Today we will go from Madhuban to Shantanupur. Right? Yes. So today, यहाँ पे तो ये शांतनुकुंड के और जाते समय ताल वन, जैसे कि बहुत सारे वन हैं, जैसे मधुवन, तो अभी ये ताल वन है, ताल वन मधुवन के बाद में ताल वन आता है, और यहाँ पे हम ताल वन में देखते हैं कि एक वन है जहाँ पे बहुत सारे ये सुंदर ताल के पेड़ थे, और इस वन में बलराम जी ने धेनुका सुर का वध किया था। ओके,
donkey demon. So जब सब ग्वाल बाल जो है वन में जाते थे भगवान के साथ और वे मधुवन पहुंच गए थे और मधुवन जब गए तब वहां पे बहुत ही सुंदर सुगंधित जो शीतल जो है हवा चल रही थी और उस हवा के साथ वो जो है वो ताल फल के जो सुगंध जो है सब जगह फैल रहा था। तो जैसे कि कभी कभी कुछ अच्छा पकवान बन रहा है तो का सुगंध जो है पूरी तरह फैलता है और उस सुगंध को जब हमारे हम सूंघते हैं तो भूख लगने लग जाती है। तो इसी प्रकार जब ये सुंदर ताल फल का जो सुगंध सब जगह फैल रहा था तो ग्वाल बालों को ऐसा लगा कि वहां जाए ताल वन में जाए और वो सुगंधित फल को हम जो है पाएंगे और उसका आनंद हम लेंगे। तो उन्होंने जब ये सुगंधित मीठा सुगंध जो उन्होंने वो वहां से आते हुए देखा तो भगवान को उन्होंने कहा कि चलो चलो वहां जाते हैं हमको वो फल खाना है तालवन जाते हैं। भगवान ने कहा ठीक है चलते हैं और पर वहां पे ये धेनु का सुर नाम का जो असुर था उस वन में वो रहता था और किसी को भी उस वन में आने नहीं देता और जो कुछ वो जो कोई भी आता था वो उनको मार देता था। तो ग्वाल बाल भी डरे हुए थे वे हमेशा चाहते थे कि वहां पे जाके अच्छे अच्छे फल खाए लेकिन धेनु का सुर का रहने के कारण वे नहीं जाते थे और डरते भी थे। तो उस दिन जब वे नजदीक आए मधुवन की और तालवन के बहुत नजदीक थे तो उन्होंने भगवान से कहा कि हमें वहां फल चाहिए चलो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ग्वाल बाल कृष्ण बलराम जो है उस वन में गए और वहां पे मुझे बताया गया कि वे जब जैसे भी वे प्रवेश किए तो बलराम जी ने देखा कि ये अभी यहाँ पे धेन का सुरा है तो उसको तो थोड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने बलराम जी तो बलवान है और वे वहां गए तो फिर जो उनके जब वे अंदर आए तो अरे ये कौन आ गया यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है। धेन का सुरा के जो साथी थे वहां पे उन्होंने बोला कि सब कौन है यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। तो तब ग्वाल बाल उन्हें कोई उनका कोई ध्यान नहीं दिया वे खेलते हंसते गाते वहां पे जो है सब जगह सब पेड़ों को हिलाने लगे और सब जो है जैसे बच्चे अभी भी हम रहे थे मंदिर में बहुत सारे बच्चे भी थे बहुत बच्चे यहाँ से वहां भाग रहे थे ऊपर नीचे चढ़ रहे थे छोटे नहीं थे थोड़े 10-12 साल के होंगे सब बहुत भाग रहे थे। सब भक्त लोग भी उनको पीछे पीछे बोले थे अरे तुम लोग कितना ही यहाँ पे। तो वैसे बच्चों का वही भाव है गए तो धेनु का सुरा ने देखा कि अरे ये तो इन लोग को रोकना पड़ेगा कोई यहाँ पे आ नहीं सकता। तो उन्होंने बलराम जी के ऊपर
अटैक किया, बलराम जी को कुछ नहीं हुआ और वे चलते रहे जैसे भी कुछ हुआ ही नहीं, तो उससे और भी क्रोध आया। अरे मेरा जो प्रहार है इतना तेज है और इसको कुछ भी नहीं हुआ, और बलराम और सब बच्चे इनफैक्ट उसने जस्ट ऐसे किया, वे हंसने लगे और उनके उनको तो और भी क्रोध आ, तो फिर वे जो है फिर से बलराम जी के ऊपर उन्होंने अटैक किया और फिर बलराम जी ने उनको पकड़ा, उनके पैरों को पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाया और एक एक पैर के ऊपर, और फिर कृष्णा और बलराम जैसे कि वे कुछ खेल खेल रहे, उनके जो सब साथी थे सब लोग उनके ऊपर जो है आक्रमण करने लगे और एक 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 करके जो है वो उनको घुमा 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 के सब पेड़ के ऊपर वो जो है इस प्रकार से डाल उड़ा रहे थे और वे नीचे गिर कर मूर्छित हो गए और उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो इस प्रकार से बलराम जी ने जो है जिनका सुख का वध किया और उस तालवन में श्री बलराम जी की एक सुंदर मूर्ति है, तो मंदिर है जिसमें बलराम जी उनकी पत्नी देवती और बाकी के कौन है वहां पे देवती है कृष्ण बलराम और देवती, सो यहाँ पे तो इस तालवन में हमें ये दर्शन हम पाते हैं, बहुत सुंदर दर्शन है। ये ब्रजवासियों ने ये मंदिर सुंदर मंदिर को स्थापित किया ताकि हम जो है बलराम जी के बलराम जी का देव का सुर के ऊपर विजय, ऐसे करने से जब इन असुरों का वध किया गया, रेणुकासुर का वध किया गया, तो फिर बलराम जी ने सब बाल बालों को बुलाया और उनको कहा कि ये मीठा रस आप लोग सब पीजिए, ये मीठा फल आप खाइए। तो जैसे हम जानते हैं कि बलराम जी जो है गुरु है, आदि गुरु है और गुरु के प्रतीक है, वे जो है हमारे हृदय के अंदर जो पाप की जो प्रवृत्ति है उनको नष्ट करते हैं, तो द स्पिरिचुअल मास्टर किल्स द डीमन ऑफ सिंपल डिजायर्स विद द वेपन ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान के शस्त्र से हमारे अंदर जो पाप पाप की प्रवृत्ति है गुरु जो है उसको नष्ट करते हैं, और बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे श्री लोकनाथ महाराज बताते हैं कि और वे जो है अपने शिष्यों को जो है ये सुंदर कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावनामृत का अमृत जो वे है जो पिलाते हैं, और ताकि जो है हम जो है उसका आनंद ले सके। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार से बलराम जी जो है गुरु के प्रतीक है और भी हमारे हृदय में से जो है पाप कर्मों की पाप प्राप्त करने की प्रवृत्ति को निकाल देते हैं। तो आगे चलकर जैसे ही हम तालवन से गुजर के हम जो है शांतनु पुल की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो मधुवन से तालवन, तालवन से कुमुदवन, तो दो दो वन, तो ये दूसरा वन कुमुदवन, और कुमुद का मतलब है वाटर लिली, वाटर लिली मतलब जल के अंदर
जो कुमुद है जल के अंदर का फूल जो है वाटर लिली उसको कुमुद कहते हैं तो इसीलिए यहाँ वहाँ पे यहाँ पे बहुत ही सुंदर वन है जिसमें ये लाल कलर के सुंदर फूल पाते हैं तो इस प्रकार से बलराम जी और जो ग्वाल वाल है उस कुमुद वन में जाते हैं हर दिन और वहां पे वे जो है सुंदर वन में बैठकर अपना जो है लंच भोजन करते हैं प्रसाद लेते हैं और आनंद लेते हैं तो ये कुमुद वन में वर्णन किया गया है कि कि 12 पुराण में वर्णन है कि ये जो कुमुद वन है वो बहुत ही दिव्य है और जो कोई भी इस कुमुद वन से गुजरता है या जाता है तो वे दिव्य बन जाता है पूजनीय बन जाता है यहाँ पे बताया गया है और वहां पे पद्म कुंड है जहाँ एक स्थान है जहाँ कपिल मुनि ने जो है वहां पे तपस्या की थी कपिल देव तो आज आगे हम जब तीसरे स्कंद में आगे जाएंगे तो कपिल मुनि का जो कथा हम पढ़ेंगे तो वो वहां पे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी वो स्थान भी है और जो कोई पद्म कुंड में स्नान करता है पूरा जो वैदिक ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकता है तो यहाँ पे ये सुंदर जगह है पद्म कुंड तो कृष्ण कुंड पद्म कुंड और अब शांतनु कुंड तो शांतनु कुंड भी यहीं पे है तालवन और कुमुदवन के पास ये शांतनु कुंड है और हमारा परिक्रमा जो है यहाँ पे इस शांतनु कुंड में आज की रात जो है वहां पे रुक जाता है तो शांतनु कुंड तो हम जानते हैं और वहां पे शांतनु बिहारी का मंदिर है उस कुंड के बीच में और शांतनु बिहारी के साथ श्रीमती राधा रानी का भी जो है सुंदर विग्रह है और ऐसा एक लोग कहते हैं ना कि कुछ कुछ स्थानों में कुछ वरदान होता है तो ये यहाँ पे शांतनु कुंड में रज में ये कहावत है या कहा गया है कि जिन लोगों को बच्चे नहीं होते जो बहुत शादी के बाद बच्चे नहीं होते तो वहां पे जाने से और कुछ संकल्प करने से उनको जो है बच्चे उत्पन्न होते हैं वहां पे मंदिर में रिकॉर्ड भी है कि किन किन कितने लोगों को यहाँ पे आकर जो है उनको बच्चे प्राप्त हुए तो ये बहुत लोग जाते हैं शांतनु कुंड में और उनको ये वरदान प्राप्त होता है वहां पे पुजारी शोज अ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल पेटिशनर्स पुजारी के पास पूरा लिस्ट है कितने कितने लोग आके यहाँ पे संकल्प करके उनको बच्चे प्राप्त हुए हैं
तो उसके बाद में आगे एक धतिया नाम का एक गांव है जहां पे भगवान ने दंत वक्र का वध भी किया था। फिर दंत वक्र का वध वहां पे हुआ था और दंत वक्र उनका नाम दंत वक्र क्योंकि उनके दांत जो थे टेढ़े थे वक्र दंत वक्र इसलिए उनको ये नाम पड़ा था और भगवान ने वहां पे उनका वध किया था। तो ये भी एक स्थान वहां पे आगे जैसे आप लोग तो जानते हैं शांतनु के विषय में विष्णुदेव के विषय में तो इसीलिए उनके उनसे उनके पीछे ये शांतनु कुंड का नाम पड़ा है। कथा तो आप लोग जानते हैं महाभारत में वर्णन किया गया है तो ये सब स्थान है। तो आज जो है हमारा परिक्रमा यहीं पे रुकेगा रात को और कल सुबह जो है हम शांतनु कुंड से राधा कुंड जाएंगे। इतने सारे अभी राधा कुंड ठीक है तो यहाँ पे हम आज विश्राम करेंगे और दैनिक गोविंद अगर समय है तो कृष्ण लीला से देनु का सूरा का वीडियो देख सकते सुंदर। कहा जाता है कि हमें हर दिन कृष्ण बुक पढ़ना चाहिए एक स्टोरी रात को सोने से पहले। अगर हम कृष्ण बुक पढ़ते हैं रात को सोने के पहले तो भगवान जरूर हमारे सपने में आएंगे। हमें भी जरूरी है जैसे कि बच्चों को सोने से पहले अच्छी कहानियां बताई जाती है इसी प्रकार हमें भी प्रभुपाद जी ने बताया कि हमें कृष्ण बुक पढ़ना रात को सोने के पहले। तो हम देखते हैं।